नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू है, पॉलीनोमियल यानी कि बहुपद। उसकी एक्सरसाइज है 2.5। ठीक है, ये एक्सरसाइज करने से पहले ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, ये आप नोट कर सकते हो, वैसे तो वीडियो में रहेंगे अगर आ रहे हो तो। और ये सारे फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है, क्लास हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे पहला फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, ये सर्व समीकाएँ होती हैं अगर हिंदी में बोला जाए, और इंग्लिश में आइडेंटिटी बोल देते हैं या फॉर्मूला भी बोल देते हैं। ये दरअसल इसी तरह से आती है कि है यही कि एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई में ही अगर इंटू किया जाए तो ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। ठीक है ना, कैसे? मान लो अगर मैं x प्लस एक्स माइनस वाई इंटू करूंगा x माइनस वाई में, तो क्या होगा? ये इस तरह से हो जाएगा, x की हो जाएगी पहले x माइनस वाई में इंटू, और फिर माइनस का y अगेन हो जाएगी x माइनस वाई में इंटू। इस तरह से खोल के लिखेंगे इसको, और x में x की इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x में y की करेंगे तो माइनस का एक्स वाई, फिर y की x में करेंगे तो माइनस का अगेन एक्स वाई, और y की y में करेंगे तो प्लस का आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूले हैं या सर्व समीकरण हैं, ये इसी तरह से जनरेट होती है। ठीक है, अब हालांकि ये आपका अभी तो नहीं आएगा, आने वाले जब आप आगे बढ़ोगे 11th 12th में, तो हो सकता है वहाँ पर ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बतानी पड़े, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर अगर फॉर्मूला याद कर लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पहले क्लासेस में भी इस्तेमाल किया है। इसमें से कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमने अभी पीछे लास्ट जो क्लास की हैं उनमें भी इस्तेमाल किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद x प्लस वाई की होल क्यूब हो जाता है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, इसमें हर जगह प्लस आ जाता है। अगर वहीं पर माइनस हो जाए, y माइनस हो जाए, तो क्या हो जाएगा? x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3xy और माइनस xy। इसमें हर जगह कहाँ आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, बस x की क्यूब जो रहेगा वो प्लस का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद x की क्यूब प्लस y की क्यूब का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स की स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वहीं पर अगर x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला हो जाए तो स्टार्टिंग में जो x प्लस वाई है वो माइनस हो जाएगा x माइनस वाई, और बाकी का जो है वो प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद थ्री टर्म वाला फॉर्मूला आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड और प्लस टू जेड एक्स, इसमें सब कुछ प्लस का रहेगा। उसके बाद इसी तरह से x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस टू एक्स वाई हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई रहेगा, माइनस का टू एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेंथ फॉर्मूला है इसमें x प्लस ए और x प्लस बी। इसमें दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ए और बी जो है वो एक नंबर है। ठीक है ना, एक नंबर है, एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी, सॉरी ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। उसके बाद अगर यहीं पर माइनस आ जाए दोनों में तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमें जो है आगे इस्तेमाल में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं और हमें जो है सर्व समीकरणों यानी कि फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? x प्लस फोर
एक्स प्लस फोर और एक्स एक्स प्लस टेन, ठीक है। तो ये अभी एक फॉर्मूला था हमने जो पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था वो? अगर इस तरह से हो x प्लस ए और x प्लस बी, इस तरह से हो तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी x प्लस ए बी, इस तरह से हो जाता है फॉर्मूला। अब ये जो टर्म्स हैं a की जगह 4 और b की जगह हम 10 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस 10x और प्लस में आ जाएगा 4 इंटू 10। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा 14x और ये आपका आ जाएगा 40x। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, ये हमने फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन है x प्लस टेन एक्स प्लस एट और x माइनस टेन, इस तरह से, ठीक है। अब ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं सीधा सीधा, तो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इसको इस तरह के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको तो एज इट इज रखेंगे, x को x प्लस एट एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं x x प्लस माइनस टेन, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व करोगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि अब हमें क्या बन गया, ये x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया, जहाँ पर जो b है वो इस बार माइनस का टेन है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला अगेन यही वाला है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एट प्लस माइनस का टेन, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आ गया x और प्लस में आ गया 8 इंटू माइनस का 10। आगे बात सुन में, अब इसको आप सॉल्व कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस माइनस हो जाएगा तो आएगा माइनस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2x और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस का 80, ठीक। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें वो इशू नहीं है, बस हमने क्या किया फॉर्मूला बनाने के लिए इसको इस तरह से लिख लिया, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है, तो हमने इसको इस तरह से खोल के लिख लिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, ये कहता है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, ये कहता है, ठीक है। तो इस बार देखो क्या करेंगे हम, इस बार क्या है कि x की जगह क्या आ गया, x की जगह 3x आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया 3x आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल फॉर्मूले में रखो। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगेन वही है, x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज जो अभी हमने 10 के साथ की थी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, इस तरह था। तो इसको जो है थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं हम, 3x प्लस 4 तो एज इट इज रहेगा, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस माइनस का 5, ठीक है ना,
आप चाहो तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में ले सकते हो, क्योंकि हमने बीच में छोटा वाला ब्रैकेट ले लिया है, ठीक है। अब ये इस वाली फॉर्म में आ गया, अब इसको आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। भाई क्योंकि x की जगह इस बार क्या है 3x है पूरा, x की जगह क्या आ रहा है 3x आ रहा है, तो हमने 3x पूरे का ही स्क्वायर कर दिया। अब प्लस आ जाएगा आपका a प्लस बी का क्या मतलब है, एक तो आ गया 4 प्लस आ गया माइनस का 5, इसमें भी आप ए वाला ब्रैकेट लगा लोगे। इस हालांकि अभी इन चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसकी आदत आप अभी डाल लोगे कि ब्रैकेट के कैलिब्रेशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम ब्रैकेट जो है उस तरह से लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका x और फिर आ जाएगा प्लस में a की जगह क्या आ जाएगा 4 और b की जगह आ जाएगा आपका माइनस का 5, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9x2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1x, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 20, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो, हालांकि होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम ये 7th और 8th क्लास में अच्छे से कवर कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसके लिए भी एक चीज़ कर लेता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हम प्लस और माइनस को इंटू करते हैं, इसको एक तरह से इंटू करके मानो, ठीक है ना, या इसको ऐसे ले लो प्लस का 1 है इंटू माइनस का 1 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों की इंटू हो रही है, जब इंटू करेंगे तो पहले जो साइन है, जो साइन आ रहे हैं उसकी इंटू की जाती है। साइन का फॉर्मूला है, अगर प्लस माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और प्लस प्लस हो जाता है प्लस। जब इंटू कर रहे हैं हम इसकी क्या कर रहे हैं, इंटू यानी कि गुणा कर रहे हैं, तो जब गुणा कर रहे हैं प्लस माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, फिर हम वन की वन में करेंगे, वन और वन इंटू करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। तो प्लस और वन और माइनस वन की जब इंटू की जाएगी तो आपका माइनस वन ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप माइनस वन इंटू माइनस वन करेंगे तो पहले माइनस माइनस साइन की करेंगे, क्या आता है माइनस माइनस पे प्लस आ जाता है, तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब इसको आप इंटू करोगे, वन की वन में इंटू करोगे तो वन आ जाएगा। जब माइनस और माइनस की इंटू होती है, माइनस वन और माइनस वन की, तो प्लस वन आता है। अभी किसी भी नंबर के साथ हो सकता है, मान लो यहाँ पर 4 होता, प्लस का 4 और माइनस का 5 होता, ठीक है, तब क्या होता, पहले साइन की करो, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, इंटू कर रहे हैं ना, तो 5 2 जा 5 4 जा 20 हो गया, इंटू कर रहे हैं। अब अगर मान लो इसको आप कैलकुलेट कर रहे होते इस तरह से, जैसे माइनस करें, माइनस 4 और माइनस का 5, अब इस बार इंटू नहीं कर रहे, इसको हम एडिशन में लेके चल रहे हैं, पहले तो हमने इंटू किया था, इस बार हम इंटू नहीं कर रहे, तो इंटू नहीं कर रहे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस हो जाएगा 9। अब साइन कौन सा आता है, जो बड़े नंबर वाला साइन होता है वो आता है साइन, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, 5, ठीक है। अब मान लो कहीं पर है प्लस का 10 और माइनस का 80, इस तरह से है। अब आप इसको कैलकुलेट करो पहले, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, जब माइनस करोगे तो आएगा 70। अब साइन पूछेगा, साइन कौन सा लगाएं इसके आगे, तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है यहाँ पर माइनस का 70 होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें ऑपरेशन होते हैं, तो इंटू का और एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवाइडेशन का भी इसी तरह से होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब चलते हैं, हमने 3 पार्ट कर लिए इसके, अब चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। 4th पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है y स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है, और y स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है।
इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, पहले ये लिख लो फिर चाहे ये लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब अगर ये चीज़ ऐसे दिख रही है यहाँ यहाँ पर, तो हम इसको लेकर के चल सकते हैं, या फिर अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन में क्या होता है, जो टर्म्स दी हुई होती हैं आप फॉर्मूला उससे दूसरे टर्म्स में लिख सकते हो। मान लो जैसे यहाँ पर एक्स और वाई के टर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं यहाँ पर ए और बी वाली टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ। मुझे उससे क्या होगा ना, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगी कि भाई ए की जगह क्या रखा जाएगा और बी की जगह क्या रखा जाएगा। ये कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना ज़रूरी है, तो आप इसको कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर सकते हो इस तरह से। अब होगा क्या, अब हम ये कर सकते हैं कि ए की जगह वाई स्क्वायर मान लें और बी की जगह 3/2 मान लें। अगेन ए की जगह वाई स्क्वायर, ए की जगह वाई स्क्वायर, बी की जगह 3/2। अब आप इसको फॉर्मूले में रख सकते हो, भाई ये चीज़ तो हमारे पास है ही, बस इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। क्या हो रहा है, अगर ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो यानी कि ए का स्क्वायर कर दो, इसका मतलब क्या है कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले से ही स्क्वायर है, उसको नहीं हटाना है ना, उसको नहीं हटाना, उसको तो ऐसे ही रखना है। हमें तो इस पूरे को ए मानना है, स्क्वायर के साथ ही हमें इसको ए मानना है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है इसको हमेशा ध्यान में रखना, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, तो वाई स्क्वायर जो है पूरा का पूरा ए माना जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल वाई को ए मान लो और हम यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐसे लिख दें, नहीं, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर अकेला ए है पूरा का पूरा। अब क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई की 4, और माइनस जब इसको करोगे तो 3 3 9 हो जाता है, 2 2 हो जाता है 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये जो है स्क्वायर्स का, हमने एक वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इसमें प्रॉब्लम लगती है कि भाई ये कैसे आता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। दरअसल क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अगर मैं एक एक चीज़ को इस तरह से डिटेल में करूँगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इस चीज़ में डाउट है तो आप वो क्लास जा करके देख सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कह सकते हो कि सर इसकी और एक्सप्लेन क्लास हमें चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, समय आप ही का बचेगा और फ़ायदा भी आप ही को होगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है। 3 - 2x और 3 + 2x इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगेन हमें वही चीज़ मिल गई, क्या मिल गई, a प्लस बी और a माइनस बी वाली चीज़ मिल गई। तो इसको मैं अगर डायरेक्टली भी लिख दूंगा सिंपली फॉर्मूले में, अगर इसको डायरेक्ट लिख दोगे फॉर्मूला वगैरह लिख करके प्रॉपरली बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2x। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जो ए की जगह जैसे वाई स्क्वायर था पूरा का पूरा, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ए की जगह 3 है और बी की जगह पूरा का पूरा 2x है ना, पूरा 2x, पूरी कंप्लीट जो टर्म है वो पूरी की पूरी बी मानी जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी ये ए माना जाएगा और इसको पूरी की पूरी टर्म को बी माना जाएगा, इसलिए पूरी टर्म का ही स्क्वायर यहाँ पर हुआ है। चलिए ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4x2। आगे बात सर, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 था, अब 5th पार्ट था आपका, जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अगर हमें लगा कि क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है तो हो सकता है क्लास 2 पार्ट में भी हो जाए, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो हम ऐसे भागा दौड़ी में नहीं कर सकते, हमें डिटेल में ही पढ़ना है, तो हमें अच्छे से ही पढ़ना है, हमें ऐसे घुस पे नहीं लिपना है। पहला क्वेश्चन है 103 × 107, ये कह रहा है कि इसको भी आप सर्वसमीका से ही सॉल्व करो। किससे सॉल्व कर रहा है, सर्वसमीका, यानी कि जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उसी से, जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे स्टार्टिंग में वहीं से। अब अगेन क्या है, देखो इसको पहले थोड़ा चेंज करके देखते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 + 3 और इसको लिख सकते हैं 100 + 7, लिख सकते हैं इस तरह से,
अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया, सेम फॉर्मूला बन गया x प्लस ए और x प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये तो होता है फॉर्मूला। अब इसी को आप फॉर्मूले के रूप में लिख दो, x की जगह क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a और b क्या है, a है 3 और b है 7, तो 3 प्लस 7 हो गया यहाँ, और x क्या है 100 है, प्लस अगेन a b की इंटू करेंगे तो 3 इंटू 7। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 की क्या हो जाएगी 10,000 प्लस इसको करेंगे तो 3 और प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 की 100 में इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस ये कितना हो जाएगा 21। अब इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये 110000 लास्ट में आ जाएगा 21, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका पहला पार्ट इस तरह से है। चलिए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट है आपका 95 into 96, ठीक है। अगेन इसमें भी क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। तो पहले फॉर्मूला जो बन रहा था वो क्या बनता था हमारा, x प्लस ए और x माइनस x प्लस बी, लेकिन इस बार क्या फॉर्मूला बन रहा है x माइनस ए और x माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली है x स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ जो ए बी से पहले प्लस आता था प्लस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा अगेन 100 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है और x की जगह क्या है 100 है और ये a है, अगेन ये 100 है और ये b है, ठीक। अब माइनस आ गया a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 4, x की जगह क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस a b क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 यानी कि 900, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 20, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, सिंपल कैलकुलेशन है, कितना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है आपका 104 into 96, यही है ना, यही। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 लिख सकते हो इसको इस तरह से। तो अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला बन गया ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूले में रख दो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 10,000 माइनस 4 सॉल्व करोगे तो 16, क्या आ गया ये 16, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। प्लस माइनस तो कर ही सकते हो, या वो भी समझाना पड़ेगा, अगर प्लस माइनस में भी दिक्कत है ना भैया तो फिर तो उसमें जाओ थर्ड फोर्थ क्लास में, वो डंडे खींच के माइनस करना सिखाते हैं, बहुत बढ़िया। चलो खैर,
और अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। दिल पे मत लेना मेरी बातों को। चलिए खैर, तो क्या आ गया 9x। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये चल, ये बन, पहले इसको किसी फॉर्मूले के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं हम, कि हम इसको किस फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो ये चीज़ें ना टेक्निकल में ये करते करते आती हैं, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि भाई ये फॉर्मूला सब में चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन को देख के उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, उसका काम मतलब उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। भले ही छोटी सी ट्रिक हो लेकिन होगा अलग, तो उसी को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो क्या है इसमें, अब जैसे ये लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, मैं इसमें लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर करने में यानी कि ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करने में और सिंगल इस तरह से स्क्वायर लिखने में अंतर होता है। इसका मतलब है कि केवल एक्स पर स्क्वायर है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि केवल एक्स पर स्क्वायर है, 9 पर स्क्वायर नहीं है। लेकिन जब हमने ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे पर स्क्वायर है, और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिंपली बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपल 2 × 1 × 3। तो आप सिंपल ही लिख लो, ज़्यादा ना हो जाएगा, 2 × 3x × y ऐसे लिख सकते हो उसको। क्या हो जाएगा 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, और एक्स वाई तो एक्स वाई है ही। अब वाई तो स्क्वायर पहले से वाई स्क्वायर है ही, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का। कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a क्या आ रहा है, a आ रहा है आपका 3x, ये पूरा क्या आ रहा है आपका a आ रहा है, और ये जो y है ये आ रहा है आपका b। यहाँ पर जो है ना स्क्वायर काउंट मत करना, यहाँ पे आप लिख सकते हो हेयर यू कैन सी a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू y, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इसको सो दैट फॉर्मूला किस चीज़ का बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ बन करके आ जाएगी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और b, ए क्या है 3x है, बी क्या है y, तो वही फॉर्मूला बन गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में हमें इसी तरह से एक मैट्रिक देखने को मिलेगी। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट है आपका 4y² - 4y और प्लस 1, क्या आ जाएगा प्लस 1। अब देखो इसको आप कैसे खोल सकते हो, अगेन इसको कैसे खोलेंगे हम, इसको हम कर सकते हैं 2y² होल स्क्वायर। अगेन वही बात है कि पूरे होल स्क्वायर में और सिंपल अलग से इस तरह से स्क्वायर लिखने में अंतर होता है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी, 2 का स्क्वायर 4 और y² y², ठीक है ना। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आ गया 2 × 2y × 1। अब मैंने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट में हमें 1 है। अब आप ये जो 1 है इसको कैसे लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है। हमें केवल ये देखना है कि जो हम चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं उसको सॉल्व करने से क्या वापस ऊपर वाली चीज़ आ रही है, भाई 2y² का होल स्क्वायर करने से क्या 4y² बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखो -2y × 1 का हम करेंगे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, y एज इट इज रहा, 1 का इंटू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो वापस से 4y बन जाएगा। अब ये इसी तरह से 1 है, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा, है ना। अब हमारा बनाने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि हम एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अगर निकलेगा तो क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनता है,
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। अब अगर मैं यहाँ पर ए की जगह क्या ले लूँ, टू वाई ले लूँ, जो पहले हमने लिखा था वैसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। या चलो पहले हमने इंग्लिश में लिखा था, अब हम हिंदी में लिख देते हैं। उपरोक्त के अनुसार a बराबर 2y तथा b बराबर 1 है, तब क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे बात सुन, मैं पहले वाले मैंने इंग्लिश में लिखा था, एक बार हिंदी में लिख दिया। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख लेना, जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी इंग्लिश में लिख लेना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर वाला, ऊपर वाला नहीं, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है या कैलकुलेशन की हुई है वो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लो इसका एक बार, थर्ड का थर्ड पार्ट क्या जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 या, तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, एक्स टू एक्स स्क्वायर है माइनस, इसमें हम लिख सकते हैं वाई अपॉन टेन का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे भाई। वाई को सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर आ जाएगा, टेन को सॉल्व करोगे टेन टू टेन इंटू टेन तो 100 बन जाएगा, ठीक है ना। टेन का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी और ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्स प्लस वाई अपॉन टेन और एक्स माइनस वाई अपॉन टेन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं बार बार बताता हूँ कि फॉर्मूला जो अभी आप इस्तेमाल करो उसको लिख दो, उससे क्या होता है कि आपको अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद होती है। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट है आपका, इसमें कहा गया है उपरोक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या करना है, प्रसार करना है। सिंपल सी बात है, सभी में जो फॉर्मूले हैं केवल वो पुट करने हैं और कुछ नहीं करना। क्या है, पहला है x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें एक फॉर्मूला था आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस इसको चाहो तो आप ए बी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये मैं टर्म इसलिए चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, लिखने का तो हम x वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जब हम उसको फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ पर एक्स था तो एक्स टू एक्स कैसे हो गया या टू वाई कैसे हो गया। लेकिन हम ये जरूर आसानी से निकाल सकते हैं कि ए था तो उसकी जगह एक्स हुआ, बी था उसकी जगह टू वाई हुआ और सी था तो उसकी जगह फोर जेड हुआ, ठीक है। तो ये कर सकते हो। अब मान लो अगर आपको टर्म जो है ए और बी के फॉर्म में दी होती तो आप जो है एक्स और वाई के टर्म में फॉर्म में लिख लेते, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब आप जब उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, बी इज इक्वल टू है टू वाई और सी इज इक्वल टू है फोर जेड है, इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल कर दो, ए स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर है तो टू वाई का यानी कि फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा, सी है आपका 4z यानी कि इसका करोगे तो 16z स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2 इनटू क्या हो जाएगा, a की जगह है आपका x और b की जगह आपका है 2y प्लस
फिर अगेन टू इंटू बी की जगह क्या है टू आई इंटू सी की जगह आपका है फोर जेड प्लस टू अगेन, इसको सॉल्व करोगे तो सी की जगह क्या आ रहा है आपका फोर जेड इंटू और ए की जगह क्या आ रहा है आपका एक्स, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू इंटू टू फोर एक्स वाई प्लस, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन वाई जेड प्लस, जब इसको सॉल्व करोगे तो फोर टू जा एट एट जेड एक्स एट जेड एक्स, ये आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इसी को दोबारा लिख करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर पहले x के पूरे ब्रैकेट में करो, फिर 2y के पूरे ब्रैकेट में करो, 4z के पूरे ब्रैकेट में करो, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहले से बोल दें कि सब समय का यानी कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करना, तो फॉर्मूला हमारे पास पहले से है ही, हमने पुट वैल्यू पुट करी और एक ही कैलकुलेशन में चौथी लाइन में हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, फॉर्मूला तो यही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें टर्म छाटनी है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा आपका, ए की जगह आपका आ जाएगा टू एक्स, बी की जगह आपका आ जाएगा माइनस का वाई, क्यों, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हो, टू एक्स प्लस माइनस का वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और फिर सी की जगह क्या आ गया आपका जेड, अब इसको आप फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टू एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी होता है, तो क्या हो जाएगा टू एक्स इंटू माइनस का वाई प्लस टू बी सी होता है, तो टू इंटू बी क्या हो गया माइनस का वाई इंटू जेड प्लस टू सी ए हो गया, तो टू इंटू ए क्या है टू एक्स और सी क्या है जेड, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का जेड स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, पहले देखो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें y माइनस का है तो बाकी के प्लस के हैं, जब भी इसमें करोगे तो माइनस का आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और x और y आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का टू बाई जेड आ जाएगा, लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का फोर जेड एक्स, इस तरह से, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका माइनस का टू एक्स
प्लस का 3y और प्लस का 2z, इसका होल स्क्वायर। अगेन वही चीज है, ठीक है। तो फॉर्मूले में रख लो एक बार, फॉर्मूला क्या है, वही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया आपका, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला मिटाना नहीं चाहिए, बस बार बार इतना पढ़ रहा है ना, 2ca। चलिए तो यहाँ से a बराबर आ गया माइनस का 2x, b बराबर आ जाएगा 3y और c बराबर आ जाएगा आपका 2z। इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए क्या है माइनस का 2x और b क्या है 3y, प्लस 2 इंटू बी क्या है 3y और c क्या है 2z, प्लस 2 इंटू सी क्या है 2z इंटू ए क्या है माइनस का 2x, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा स्क्वायर के बाद, यह आ जाएगा आपका 9y स्क्वायर, यह आ जाएगा 4z स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस के लिए से माइनस वाली टर्म बन जाएगी, 3 2 4 और 4 3 12 12x2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 2 4 और 4 3 12 yz, और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 2 4 2 8 माइनस का 8z। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, फॉर्मूला आपको केवल पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब जो इसके आगे क्वेश्चन है मैं उसमें ये वाला सॉल्यूशन नहीं करूँगा, आपको केवल वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा कि भाई ये वैल्यू कैसे है, ठीक है ना, और बाकी का काम आप खुद से करेंगे, ठीक। आधा काम हम करते हैं आधा काम आप करेंगे। देखो सॉल्यूशन तो आपको वैसे भी मिल जाता, सॉल्यूशन का मैटर नहीं है, मैटर है कि आप कितना सॉल्व कर रहे हो, और मैथ जो है केवल प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, ये बाकी जो चीज़ें हैं वो एक बार को याद की जा सकती हैं, लेकिन मैथ्स में क्या है कि जब तक आप खुद से नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो होगा नहीं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए हमेशा कि प्रैक्टिस मुझे खुद से करनी है और मैं खुद से ही उसका आंसर निकालता हूँ, ठीक है ना। चलिए इसका फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b और माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो इन्होंने क्या किया, आपको a b c वाली टर्म में दे दिया, यही चीज मैं कहता हूं कि अब हम x वाला फॉर्मूला ले सकते हैं, x इस बार क्या करेंगे माइनस वाला लेंगे, x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz प्लस सॉरी माइनस 2zx, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है अगर दो जगह माइनस दे रखा हो, तो क्या करेंगे, अगेन वही ए की जगह क्या आ रहा है, सॉरी एक्स की जगह क्या आ रहा है इस बार 3a, वाई की जगह क्या आ रहा है 7b। अब देखो मैंने माइनस का साइन नहीं लिया क्योंकि हमारा फॉर्मूला पहले से उसी फॉर्म है, एज इट इज उसी फॉर्म है। अगर मान लो मैं यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला ले रहा था उससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मान लो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला भी ले लोगे तो आपको केवल इतना करना पड़ेगा कि उस बार टर्म जो है माइनस 7b देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और z बराबर क्या हो गया c, ठीक। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल सी बात है।
प्लस सन प्लस माइनस साइन का जो है आप ध्यान रखेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या आपकी नहीं। ठीक है, चलो अब आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपका है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z होल स्क्वायर। ठीक है ना, एक बार देखो, क्या दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब आप इसको चाहो तो माइनस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चाहो तो प्लस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है ना, प्लस वाले फॉर्मूले से करोगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। क्या है प्लस वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। वैसे मेरा कहना ये है कि आप बार बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, ऐसा नहीं कि पहले वाले क्वेश्चन में लिख दिया और उसी को देख करके आगे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, उससे क्या होगा ना कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, एक तरह से टिप पे आ जाएगा आपके फॉर्मूला। और अगर फॉर्मूले इस तरह से आपको याद है तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली मैथ में। जान होते हैं फॉर्मूले जो होते हैं या जो कॉन्सेप्ट होते हैं या जो थ्योरम्स होती हैं, वो मैथ की जान है, ताकत है, उसी से आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी पीएचडी तो हो नहीं, खुद से फॉर्मूला बना लोगे। चलो क्या, अब यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, ए बराबर माइनस टू एक्स, बी बराबर फाइव वाई और सी बराबर माइनस का थ्री जेड। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लिया है इसलिए यहाँ पर हमने वैल्यूज माइनस के साथ ही ले ली। अगर माइनस वाला फॉर्मूला लेते तो हम उस माइनस को वहीं पर छोड़ देते और केवल वैल्यूज उठाते, सिंपल बात। ठीक है ना, अब आप इसको फॉर्मूले में रख देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस का थ्री जेड का होल स्क्वायर। और अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस का टू एक्स इंटू फाइव वाई प्लस टू इंटू फाइव वाई इंटू माइनस का थ्री जेड प्लस टू इंटू माइनस का थ्री जेड इंटू माइनस का टू एक्स। ठीक है ना, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कहोगे कि सर ने सारे जो हैं हमें सॉल्व करने के लिए दे दिए, अत्याचार नहीं है ये भलाई है आपकी, वैसे तो अपाहिज नहीं बनना है। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, नाइन, सॉरी ये टेन नहीं होगा, ये ट्वेंटी फाइव होगा, फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव बाय का स्क्वायर होगा, नाइन आ गया जेड। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू टू जा फोर, फोर फाइव जो ट्वेंटी और एक्स वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का फाइव टू जा टेन और टेन थ्री जा थर्टी जेड वाई या वाई जेड कर लो, सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसको करोगे तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व और जेड एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये आपका था फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपका सिक्स्थ, इसको देख लेते हैं एक बार। सिक्स्थ इसमें क्या दिया हुआ है आपको, वन अपॉन फोर ए माइनस वन अपॉन टू बी प्लस प्लस वन। ठीक है ना, इसको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है, बस इसमें क्या कर लेंगे हम, x इज इक्वल टू वन अपॉन फोर ए ले लेंगे
y इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन टू वी ले लेंगे और z इज इक्वल टू वन ले लेंगे, और सिंपल प्लस वाले फॉर्मूले में ही आप इसको रखो, स्क्वायर है ठीक है ना, इसको सिंपली प्लस वाले फॉर्मूले में ही रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन टू बी का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस टू इंटू वन अपॉन फोर ए इंटू माइनस वन अपॉन टू बी, फिर प्लस टू इंटू माइनस वन अपॉन टू बी इंटू वन, और फिर आ जाएगा प्लस टू इंटू वन इंटू वन अपॉन फोर ए ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वन अपॉन सिक्सटीन ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा वन अपॉन फोर बी स्क्वायर, ये माइनस का था वो प्लस हो गया, प्लस का वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है, और ये आ जाएगा माइनस, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन फोर ए बी ठीक है। अब यहाँ पर अगेन इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का बी ठीक है ना, माइनस का बी बचा खाली, इंटू वन कर दिया तो फिर माइनस का बी बचा। अब यहाँ पर देखो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का वन अपॉन टू ए, ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है, सही है। कैलकुलेट करके आप इसको सिंपली आंसर इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये फोर्थ का लास्ट पार्ट था, सिक्स्थ पार्ट जिसको हमने सॉल्व किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, एक बार क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे कि वो क्या कहना चाहता है ठीक। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फर्स्ट पार्ट ठीक है ना, क्या दिया हुआ है इन्होंने। फोर एक्स, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर वाई जेड और माइनस सिक्सटीन जेड एक्स, सिक्सटीन एक्स जेड या जेड एक्स इन्होंने दिया हुआ है ठीक है। अब इसको इन्होंने कहा है कि फॉर्मूले में बना दूँ, तो इसको पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जितना हम कर सकते हैं भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर है ना भाई। इसको सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। अब देखो, अब ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली, ये हमें इसमें हमेशा एक तो टू रखना ही रखना है, इनटू में जब हम इसको तोड़ेंगे तो टू रखना ही रखना है। अब देख लो कि x के साथ वाला क्या है, x के साथ 2x है तो यहाँ पर इनटू में 2x आ जाएगा, और y के साथ वाला क्या है 3y है तो इनटू में 3y आ जाएगा। तो बात कहाँ पर आ जाएगी, बात ये आ जाएगी कि भाई ये जो है 3 इंटू फोर, टू टू फोर, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व एक्स वाई बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है 2 इंटू वाई वाला क्या है 3y है, 3y आ जाएगा इंटू, अब z वाला क्या है 4z है तो 4z आ जाएगा। अब 16 वाला देख लो, माइनस का 16 जो है उसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू x वाला क्या है 2x है तो 2x लिख दो, और इनटू में z क्या है 4z है
तो 4z लिख दो। अब ये जो माइनस आ रहा है, ये जो माइनस आ रहा है, ये स्टार्टिंग के 2 की वजह से नहीं होता कभी भी, ये होता है इनमें से किसी एक नंबर की वजह से। भाई अगर मान लो मैं यहाँ पर माइनस का 3y कर दूँ, माइनस का 3y कर दूँ तब भी तो 9y स्क्वायर आएगा, या मैं माइनस का 4z कर दूँ तब भी ये क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो टर्म जो है माइनस ही कौन कौन सी, y और z वाली है, x वाली जो टर्म है एक वो वाली माइनस की है, ठीक है ना। यानी कि एक तो जो z है, ठीक है ना, वो माइनस का होगा, और एक x जो है वो माइनस का होगा, ठीक है। एक मिनट, ये 3 ही माइनस का ले सकते हो, अब लेंगे इस तरह से, दो जगह आ रहा है ना, तो केवल 4z से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर आ रहा है 4z माइनस का, एक यहाँ पर आ रहा है 4z माइनस का, तो केवल एक ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है माइनस का 4z इनटू कर देंगे और ये प्लस रह जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस कर देंगे इसको, और ये माइनस का 4z। अब हमने ऐसा क्यों किया इसको समझो थोड़ा सा। भाई यहाँ पर दो टर्म जो थी उसमें माइनस आ रहा था, अब माइनस जो है वो स्टार्टिंग के 2 की वजह से कभी नहीं आता, वो आता है बाद की जो दो टर्म इसमें इंटू हो रही है उसकी वजह से आता है, ठीक है। अब देखो हो ये रहा है कि माइनस का 4z यहाँ पर होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो 2x और 3x अगर इनमें से कोई माइनस होता तो यहाँ पर भी तो माइनस आता, ठीक है, या फिर ये दोनों ही माइनस के होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। अब या तो ये सिचुएशन नहीं होगी कि दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा, अब अगर दोनों माइनस के होते तो यहाँ पर भी तो माइनस आएगा, और फिर वो माइनस और 4z का माइनस को प्लस कर देगा, इसका मतलब फिर यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें केवल इन दोनों को प्लस का ही रखना है, और 4z को ही हम क्या कर सकते हैं, माइनस का कर सकते हैं, ठीक है, आगे बस हमें। और यहाँ पर क्या है, माइनस का 4z अगर सॉल्व भी करेंगे तो 16z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। कहाँ से बनेगा, इसको आप लिख भी सकते हो आइडेंटिटी कौन सी है, ये x प्लस y प्लस z, या ए बी सी वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो, का होल स्क्वायर जो है वो वाली आइडेंटिटी है। आगे बात सुन रहे, तो ये माइनस वाला जो टर्म है इसको थोड़ा ध्यान